प्रातः क्लास चल रहा था 26 दिसंबर 1968। विष्णु का तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना, पहले तो ब्रह्मा और फिर वो उनकी सहयोगिनी बेटी सरस्वती। और यहां तो जब ही अडॉप्ट किया हुआ है तो नाम फिर गया है, यहां तो नाम रख देते हैं ब्रह्मा और सरस्वती। तो ऐसे भी यहां तुम्हारे शास्त्रों में ये भी लगा हुआ है कि ब्रह्मा सरस्वती के पीछे पैदा हुआ, ये शास्त्रों में है ना। शंकर पार्वती के ऊपर पैदा हुआ और नारायण लक्ष्मी के पीछे पैदा हुआ, क्योंकि कृष्ण और राधे तो बात ही एक ही है लक्ष्मी नारायण की। अगर कृष्ण राधे के ऊपर पैदा हुआ, अब वो तो जोड़ी है भाई बहन के, थे ना जोड़ी भाई बहन, पहले तो भाई बहन थे ना, पीछे स्त्री पुरुष बना है। तो फिदा तो सब होते हैं ना, लिख लिख देते हैं भाई ये फिदा हुए उनके ऊपर। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्ची ये तो लिखी हुई ग्लानी है, ऐसे ऐसे ग्लानी है इसके लिए, क्योंकि इस समय में ब्रह्मा तो बाप हो गया ना। और सरस्वती तो बेटी है, बाप कैसे बच्चे और बच्चियों के ऊपर फिदा होगा, और सो भी बुढ़ा बाप। बाप ने देखो कैसी ये ड्रामा में कैसी नूंद रखी हुई है, और खुद कहते हैं कि जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो पीछे तो स्वर्ग ही चाहिए। तो वाणी से परे जाने के लिए, वानप्रस्थ अवस्था के लिए मनुष्य गुरु करते हैं, और 60 वर्ष के पीछे करते हैं। तो बाबा ने समझाया कि बरोबर 60 वर्ष के बाद में ही बाबा ने प्रवेश कर करके फिर देखो गुरु भी बन गए, टीचर भी बन गए, तो देखो फादर भी बन गए। तो वानप्रस्थ की निशानी जो अब तक चली आ रही है, तो अभी तो वो कायदा भी बिगड़ गया है ना। आजकल गुरु छोटी बच्ची को, बच्ची जन्म भी लेती है तो भी गुरु कराए देते हैं, नहीं तो न गुरु हो करके मरेगी तो दुर्गति की हो जाएगी। ऐसे ही आजकल के गुरु लोग तो ये फंसाते हैं, और वो बेचारे फंसने वाले अबोध है ना, ये सभी अबोध हैं। इन
को नॉलेज तो नहीं है ना, काय चीज की भी नॉलेज नहीं है। अबोझ तो सब अभी वो गुरु भी करेंगे, बच्चियां भी गुरु करेंगी और ये सभी भी गुरु करेंगे। अभी गुरु करने का यहां तो बच्चियां तो नहीं है ना, ये तो तुम्हारी जो आत्माएं हैं उनका ये गुरु बन जाते हैं, तो बाप बन जाते हैं, तो बाप भी बन जाते हैं, तो गुरु भी, तो टीचर भी बन जाते हैं। कोई पूछे कौन, हाँ निराकारी आत्मा, उसको निराकारी को तो क्या कहेंगे। अब निराकारी चीज क्या है, निराकारी दुनिया, आत्माएं। अब आत्मा उसको निराकारी तो क्या कहेंगे, निराकारी क्या चीज है। निराकारी दुनिया देखो गाया तो है ना, निराकारी दुनिया जिसको आकार ही नहीं है, तो वो हो गई बाकी आत्मा उनकी दुनिया। तो दुनिया है ना बच्ची उन आत्माओं की भी, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि उसकी कोई दुनिया नहीं है। जिसको शांति धाम कहा जाता है वहां आत्माएं रहती है। अगर कोई कह दे कि आत्मा का नाम रूप देश काल नहीं है, तो अब परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं है तो बड़ी आत्मा का कहां से होगा। तो इतनी बेसमझी मनुष्य की, तो सभी बन गए बेसमझ। तो बेसमझों को फिर क्यों कह देते हैं ये सभी बंदरों का जंगल है। ये जंगल में यहां रहते हैं, इसके लिए फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। तो फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो इन जानवरों की भी ये बुद्धि नहीं रहती है कि अगर बाप नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे वरी कहां से आएंगे, पीछे तो फिर कुछ भी नहीं है। अरे पर ये तो दुनिया है ना, इस दुनिया का चक्कर फिरता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री भी चाहिए तो ज्योग्राफी भी चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी पढ़ी है स्कूल में, तो हिस्ट्री कहा जाता है। जो जो ये ज्योग्राफी के कोई इलाके मालिक बनते हैं तो जरूर उनके मालिक, तो वो कहेंगे कि भाई अच्छा इनकी हिस्ट्री सुनाओ कि ये कितने कितने जगह पर राज्य करते थे, समझे ना। क्योंकि हद का तो हो गया ना, अभी सबको हो गया, तो वो उसको कहा जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडिया की होती है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जहां भी जाओ तहां हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर पढ़ते होंगे। उस इलाके में जहां के हैं वहां के पढ़ते होंगे,
बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुरू से लेकर तो कोई नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि देवी देवताएं और क्षत्रिय की तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी जानते ही नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो ना कि हाँ, ये देवी देवताएं कहां तक राज्य करती हैं, फिर इनकी आयु कितनी होती है, फिर इनके बच्चे कितने होते हैं, फिर बच्चा तख्त पर बैठते हैं। तो इसको कहा जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी माना इलाका, हिस्ट्री जो हिस्ट्री है चैतन्य की, ज्योग्राफी तो होती है जड़ की। तो जड़ की ज्योग्राफी है जमींदारी की, ये जड़ जड़ वस्तुएं हिस्ट्री है चैतन्य की। 26/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। ये आत्मा को जानते हैं कि हम कहां तक राज्य करते हैं इलाका को, है ना? तो ये तो कोई अच्छी तरह से समझा नहीं सकते हैं ना बच्ची। हिस्ट्री गाई जाती है, फलाने की आखानी जिसको कहा जाता है ज्योग्राफी रियासत की, और रियासत के मालिक को फिर कहा जाएगा इसकी हिस्ट्री, कितना समय राज्य किया, किसने राज्य किया। तो कहेंगे चैतन्य ने राज्य किया, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि जड़ ने राज्य किया, हिस्ट्री में राज्य किया, उसने राज्य किया कितने समय से, कितना समय फलाने का राज्य था, कि क्रिश्चियन लोग आए तो बोलेंगे ना भाई क्रिश्चियन लोगों ने भारत पर कब से कब तक आकर के राज्य किया। तो राज्य किया चैतन्य ने, और हिस्ट्री किया, हिस्ट्री कहेंगे उसको, जड़ के ऊपर हिस्ट्री। ऐसे होता है ना बच्ची। तो ये सभी इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये तो कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जान ही नहीं सकते हैं, वो तो उड़ाए दिया ना। बच्चे जानते हैं, वो कहते हैं सतयुग, सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ। अच्छा भाई, लाखों वर्ष हुआ, अब उसमें कौन राज्य करके गया, एक एक ने कितना राज्य किया, कितनी आयु राज्य किया, जीता कहां तक रहा, तो इसको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी। अभी समझा ना, हिस्ट्री होती है चैतन्य की, ज्योग्राफी होती है जड़ की। जड़ और चैतन्य का तो ये सारा खेल बना हुआ है इतना। और आत्मा को कहा जाता है कि भाई चैतन्य है, सत्य है, जैसे बाप को कहा जाता है ना सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो इनको तीनों ही, ये जो प्रकृति है उनको तो नहीं कहेंगे सत्य चित्त आनंद स्वरूप, वो तो जड़ है सारी प्रकृति, और है भी बराबर ऐसे। जड़ा और चैतन्य से मिलकर ये शरीर बनते हैं,
और ये पहले जड़ बनता है। बच्चे जड़ होते हैं ना, पीछे उनमें जब चैतन्य आत्मा आती है तो फिर जड़ और अचैतन्य को मिलाकर जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा तो है ही सदैव चैतन्य, वो जो बाकी जड़ जो बना हुआ है बड़ा जिससे काम करता है, उनमें आत्मा बैठ करके उनको चैतन्य बनाई देते। इसको कहा ही जाता है जीवात्मा, तो फिर क्या कहेंगे, ये जड़ है ना बच्ची, ये जड़ है तो विनाशी चीज है। इसे जड़ को चलाने वाला कौन है? हाँ आत्मा है ना, क्योंकि वो आत्मा चैतन्य है। अगर वो आत्मा ना होवे तो ये जड़ बिल्कुल चले ही नहीं, तो सारा खेल ही है जड़ और चैतन्य का। बनती है हिस्ट्री या ये नाटक वगैरह जड़ और चैतन्य का बनता है, और वो मनुष्यों का नाटक बनाते हैं कि मनुष्य को ये स्मृति वगैरह पढ़ाई की होती है, और तो कोई जानवर वगैरह तो नहीं होते हैं ना, नहीं, इसलिए तो गाया जाता है कि मनुष्य 84 लाख, उसमें फिर गाया जाता है 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन उत्तम होता है, ऐसे गाया जाता है। क्योंकि तुम बोल चाल सकते हो फिर गिर सकते हो, और तो कोई नहीं है ना बच्चे, तो इसलिए दुनिया भी तो तुम्हारी ही बनी हुई है, और दुनिया में आदमशुमारी भी तुम्हारी तुम्हारी ही गाई जाती है, गिनाई जाती है। फिर जानवरों का तो नहीं बताएंगे कुछ, कोई भी उनकी गिनती नहीं कर सके। इसीलिए सारा खेल जो बना हुआ है, ये बना हुआ है खेल तुम्हारे ऊपर, और इस खेल की हिस्ट्री जोग्राफी भी तुम सुनती हो, बाप भी देखो इसमें आए करके और तुमको बताते हैं ये सब कुछ, कि बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी। इसको कहा जाता है बेहद सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी। उन्होंने मनुष्यों ने वर्ल्ड की हाइट को कितना लाखों बरस रख दिया, अब ये लाखों बरस की बात बेचारा कौन याद कर सकेंगे हिस्ट्री में। हाँ तो देखो, कोई न समझाने के कारण तुम क्या हो जाते हो, बेसमझ हो जाते हो, तमो प्रधान भी हो जाते हो। देखो तुमको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनाते ही नहीं है सारी दुनिया की, और मनुष्य हो करके अगर दुनिया की हिस्ट्री जोग्राफी को न जाने तो मनुष्य कुछ काम का नहीं, क्या काम का हुआ। तो देखो अभी देखो हिस्ट्री जोग्राफी, इन्होंने राज्य कैसे लिया,
इन्होंने हिस्ट्री जोग्राफी सारी दुनिया की बैठ करके बाप से सुनी है। बाप से क्यों कहते हैं कि आत्मा परमात्मा सुप्रीम रूहानी आत्मा उनसे बैठ करके सुनी है, तो फिर भी तो है तो पढ़ाई ना। तो ये पढ़ाई देखो कितनी अच्छी है, और पढ़ाते कौन है, तो ये समझ तो जाते हो ना। बाबा जब पढ़ाएगा तो जो बाबा क्या पढ़ाएगा, वो तो बस ऊंचे ते ऊंचा पद की बात पढ़ाएगा। तो यहां दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा पद किसका है, इनका और जो इनके साथ में रहते हैं उनका। कहां रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं। 26 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। पीछे तो वो पद कम हो करके फिर ये पद पढ़ाई शुरू हो जाती है दुनिया में। और वहां दुनिया में तो कोई फिर देखो बैरिस्टर फैरिस्टर है, और नई दुनिया में तो वो स्कूल होते ही नहीं, ये स्कूल नहीं होते जो आज दुनिया में। तो लैंग्वेज के स्कूल होते हैं, बाकी तो कोई बात की नहीं होती। पढ़ाई सीखना हुनर वो तो कोई पढ़ाई नहीं है ना बच्ची, वो तो हुनर सीखने की बात है। अगर हुनर नहीं होगा मनुष्यों को तो कैसे बत्ती बत्तियां सब कहां से आएंगी। तो वो तो एक दो को सिखलाते हैं, बच्चे ही सिखलाते हैं। उसको कोई दर्जे नहीं कहे जाएंगे कि फलाना बना, ये तो ये सिखलाने का हुनर बना। समझा? ओम शांति।